नमस्कार, आप देख रहे हैं एलआर भारत में। राकेश, 1 मार्च सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन मनाया जा रहा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाइयां और शुभकामनाएं दी जा रही है। इस मौके पर बिहार में जेडीयू कार्यालय में उनके जन्मदिन के मौके पर केक काटा गया। इस दौरान जेडीयू कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ साथ बिहार सरकार में मंत्रिमंडल के सदस्य शीला मंडल और लेसी सिंह भी मौजूद रहीं और उन्होंने केक काटकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। हमारे नेता का 17वां जन्मदिवस है। हम सब लोग सभी पार्टी के साथी बूथ स्तर पर, गांव स्तर पर और सभी जगह कार्यालय में, पार्टी कार्यालय में मना रहे हैं। आज यहां पर भी महिला साथी के द्वारा, हमारे जितने भी पुरुष साथी हैं पार्टी के, सभी साथी ने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी का 17वां जन्मदिवस धूमधाम से मनाया और विकास दिवस के रूप में आज हम लोगों ने मनाने का काम किया। खासतौर पर महिलाएँ जो है काफ़ी गौरवान्वित है अपने नेता के जन्मदिन मनाने को लेकर कि आज महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायती राज व्यवस्था में 35% आरक्षण, नौकरियों में 50% आरक्षण पंचायती राज में दिए, 35% नौकरियों में दिए हैं। जीविका समूह के गठन करके सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का जो प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी का चल रहा है, आज उतनी महिलाएँ गौरवान्वित हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से बिहार को नई ऊंचाई पर ले जाने का काम किए हैं, ये काबिले तारीफ है। आज हम सब लोग ईश्वर से, सभी महिला साथी, सभी पार्टी के साथी ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का लंबी उम्र हो और हम सब लोगों को आशीर्वाद प्राप्त हो और बिहार को और भी ऊंचाई पर ले जाने का माननीय मुख्यमंत्री जी देश के नक्शे पर जो ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, हम सब हमारे नेता सफल। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 17वां जन्मदिन मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम के साथ। पार्टी कार्यालय से लेकर पूरे बिहार भर में जेडीयू का जो अभी कार्यालय है वहां पर पार्टी के जो विधायक है, नेता है, बड़े ही धूमधाम के साथ केक काटकर नीतीश कुमार का जन्मदिन मनाते नजर आ रहे हैं। इस मौके पर सत्ता पक्ष के साथ साथ कई विपक्षी पार्टियों ने भी नीतीश कुमार को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहिए एलआर भारत। नमस्कार।